15 अगस्त के एक दिन बाद अखिलेश का मोदी पर आया चौंकाने वाला बयान। फिर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को दिया तगड़ा जवाब। अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव को लेकर कर दिया बड़ा दावा। देखिए, अरे दिल्ली क्यों जाते हो, यहाँ से 100 मीटर दाएं चले जाओ। ये लोक भवन बना था जनता के लिए, अगर किसी की प्रतिमा लगानी थी तो समाजवादी सरकार में हम लोग भी प्रतिमा लगा सकते थे, लेकिन हमें कोई नाराजगी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, और आज उनको हम याद भी करते हैं कि जहां देश के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन समाजवादियों का काम ही उनके नाम के लिए याद किया गया, समाजवादियों का काम ही उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए याद किया जा रहा है। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, समाजवादी पार्टी घोसी का उपचुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। बीजेपी समीकरण नहीं बना रही है, बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो झूठी है पड़ेगा, इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे जी। और यहाँ की जो गणित है जी, चुनावी गणित है जी, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है 2017 से लगातार, और घोसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह की प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कैसे आप जानते हैं, आप ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको माइक से बताया, समाजवादी पार्टी में वोट लेने के लिए सबके पास जाते हैं, लेकिन फिर वो केवल अपने परिवार को देखते हैं, और इस वजह से वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं ढेर सारे लोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। पूरी तरह से आप सब जानते हो, आप ये लोग स्थानीय हो, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ, शुचिता के साथ लोगों का भरोसा जीत करके चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत रही है। अखिलेश यादव आरोप लगाया है पूरी तरह से, ये मान कर चलिए कि दारा सिंह चौहान यादव ने आरोप लगाया कि डरा रहे हैं आप लोग, आप लोग डरा रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ रही है, और हम सबके साथ घर जाकर के सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं, और कमल यहाँ खिल रहा है।